दोस्तों, आज हम लोग 44/40 डबल आईसी पावरफुल एम्पलीफायर के बारे में जानकारी देने वाले आपको। ये एक पावरफुल तो एम्पलीफायर नहीं है, लेकिन दोस्तों इस एम्पलीफायर में खासियत है कि आप लोग इसमें सिर्फ 2-5 इंच के स्पीकर चला सकते हैं। अगर आप लोग इस पे 6 इंच या 8 इंच या फिर 10 इंच या फिर 12 इंच का स्पीकर का लोड देंगे तो ये एम्पलीफायर का जो आईसी है वो जल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे जानने के लिए हमें एम्पलीफायर के वाट को पता करना होगा। तो दोस्तों, 44/40 डबल आईसी एम्पलीफायर, चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो, सबसे पहले आप लोग उसके वाट को जान लीजिए कि ये एम्पलीफायर कितने वाट है। तो दोस्तों, ये 44/40 डबल आईसी एम्पलीफायर है। इस पे दोस्तों देखिए, ये 1-2 आईसी लगी होती है, तो एक आईसी 19 वाट आपको आउटपुट देता है, यानी 19 वाट तक के आप लोग इस पे स्पीकर लगा सकते हो। दो 19 वाट के आउटपुट दो चैनल देता है दोस्तों। पहला चैनल हमारा एक आईसी, दूसरा चैनल 2 आईसी, मतलब दूसरा आईसी। तो दोस्तों, एक आईसी तो 19 वाट देता है, तो दोनों आईसी 19 वाट आउटपुट देता है। लेकिन दोस्तों, इस पे हम लोग 50 वाट के स्पीकर का लोड दे देते हैं, चाहे वो कितना बड़ा स्पीकर हो, चाहे 60 वाट दे देते हैं, चाहे 80 वाट दे देते हैं लोड, चाहे 30 वाट स्पीकर का लोड दे देते हैं हम। तो दोस्तों, इसीलिए हमारी आईसी जल जाती है। तो जब आप लोग इस एम्पलीफायर को चलाएं, तो सबसे पहली जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपको पता करना होता है कि आप जो स्पीकर लगा रहे हो वो कितने वाट का स्पीकर है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप मैक्सिमम अगर आप इस पर लोड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इस पर 8 इंच के भी स्पीकर चला सकते हैं, 12 इंच के भी स्पीकर चला सकते हैं, लेकिन चलाने से पहले आपको वाट को पता करना होता है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे स्पीकर आ रहे हैं, बहुत महंगे आ रहे हैं और बहुत सस्ते भी आ रहे हैं। कई एक ऐसा भी स्पीकर आ रहा है जो कि 30 वाट का रह रहा है स्पीकर, जो 4 इंच में आ रहा है, 6 इंच में आ रहा है, 8 इंच में आ रहा है, 10 इंच में आ रहा है, 12 इंच में आ रहा है, और वाट जो होता है उसका 30 वाट होता है दोस्तों, 30 वाट के स्पीकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप लोग इस पर 50-50 वाट के 2 स्पीकर लगाओगे तो हमारी आईसी एकदम गर्म हो जाएगी और ये हमारी आईसी ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए लगाया जाता है दोस्तों हीट सिंक। हीट सिंक आप कभी भी नया एम्पलीफायर ना परचेस करें, मेरी बात माने तो कभी भी एक एम्पलीफायर इस टाइप का नहीं खरीदना चाहिए आपको। ज़िंदगी में कभी आप लोग ऐसा एम्पलीफायर ना खरीदें। अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, लेकिन आप लोग इस पर 5 इंच के सिर्फ 2 स्पीकर चला सकते हैं, 5 इंच के 2 स्पीकर। नहीं तो आप 6 इंच के स्पीकर चलाओगे तो आप आधा से घंटा, 1 घंटा के अंदर ही पूरा स्पीकर साफ़ हो जाएगा। 10-15-20-30 मिनट के अंदर ही साफ़ हो जाएगा स्पीकर, पर मतलब स्पीकर तो नहीं होगा, आईसी एकदम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इस एम्पलीफायर, ये जो एम्पलीफायर है 44/40, इसे आप खुद बना सकते हो। देखिए दोस्तों, इस एम्पलीफायर को मैं 700 में ख़रीदा था और इसका अनबॉक्सिंग का भी मैंने वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। दोस्तों, इस एम्पलीफायर में देखिए, कभी भी जो स्पीकर के 2 वायर निकले होते हैं पीछे बैक साइड में, यहाँ पर स्पीकर के जो 2 वायर निकले हैं, कभी भी ये आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा एम्पलीफायर का आईसी ख़राब हो जाएगा। इसमें ये भी कारण होता है। और दूसरी नंबर की बात ये कि स्पीकर आप लोग चलाना चाहें चला सकते हैं, 30 वाट से ऊपर का स्पीकर पे ना लोड डालें। अगर आप लोग देना चाहते हैं तो 50 वाट के स्पीकर का लोड दीजिए, लेकिन आप लोगों का जो आईसी का होगा वो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना होगा कि आपको इसमें एक बढ़िया हीट सिंक लगाना होगा। दोस्तों, मैं इस पर सिर्फ 2-6 इंच के स्पीकर को लोड देता हूँ और अब मैं 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा चलाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। 30 एक स्पीकर जो है वो 30 वाट का है और एक स्पीकर जो है वो 40 वाट का है। और दोस्तों, यकीन माने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है 44/40। लेकिन इसमें आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जुगाड़ ये करना पड़ेगा कि आप किसी शॉप पर जाना और परचेस कर लेना पुराने हीट सिंक, क्योंकि अगर आप इस पर अगर बढ़िया एक हीट सिंक लगा दें तो हमारी आईसी पे अगर हम 12 इंच के स्पीकर का भी, मतलब लो वाट में 12 इंच के स्पीकर का भी लोड डालेंगे तभी जल्दी हमारी आईसी नहीं ख़राब होगा। मैंने जब इसे खरीदा था तो मैं 4 बार आईसी चेंज कर चुका हूँ, लेकिन मैंने जब से यहाँ पर ये देखिए 4 हीट सिंक मैंने लगाया, इसमें 4 हीट सिंक की पूरा एम्पलीफायर है, 4 हीट सिंक। एक और हीट सिंक मैं यहाँ पर लगाया था तो वाला मैंने निकाल दिया है, क्योंकि आपको बोर्ड को अच्छे से दिखाने के लिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, एक पहला हीट सिंक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और पीछे एक 4 हीट सिंक। मोटा मोटा तगड़ा तगड़ा होना चाहिए इस टाइप के हीट सिंक। जब बढ़िया हीट सिंक रहेंगे तो ये जो हमारी आईसी होगी वो तो गर्म तो होना है, लेकिन वो जब आईसी मोटा, जो हीट सिंक मोटा पड़ जाएगा तो ठंडी रह जाएगी आईसी। इसीलिए दोस्तों, मैं इसे इसी टाइप से खोल करके चलाता हूँ इस एम्पलीफायर को। और आप यकीन माने तो दोस्तों, नया कोई 44/40 का बोर्ड लेकर बना सकते हैं। तो इस बात को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जो भी कोई एम्पलीफायर हो तो इसका स्पीकर जो होता है वो वाट उसका पता करें, क्योंकि अगर आप लोग स्पीकर का वाट पता करेंगे दोस्तों तो सबसे मेन होगा आपका एम्पलीफायर कोई भी होगा जलेगा नहीं। अगर आप लोग इसे वैसे खरीदना चाहते हैं तो 5 इंच के 2 स्पीकर चलाएं, वूफर ही चलाएं, क्योंकि दोस्तों 5 इंच के 2 स्पीकर ज़्यादा वाट में नहीं आते हैं, 15-20 वाट में आ जाएंगे 5 इंच के स्पीकर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों, कमेंट में बताना। और यहाँ पर इसके फंक्शन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है FMCD का, और यहाँ पर आता है वॉल्यूम पास ट्रेबल बैलेंस, और यहाँ पर ही एक ऑन ऑफ का ऑप्शन है। ये ऑन ऑफ का इसलिए ऑप्शन है क्योंकि हमारा जो एम्पलीफायर है इसे बंद चालू कर सके। और यहाँ पर FMCD का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप लोगों को इसको माइक वाइक चलाना होगा या CD चलाना होगा, FM में CD चलाना होगा, तो आपको इसको ऐसे बंद कर देना है। इससे हमारा एम्पलीफायर पे लोड नहीं जाने वाला है। मतलब ये होगा दोस्तों कि हमारा कोई स्पीकर चलेगा नहीं, स्पीकर चलना बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर माइक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर माइक का ऑप्शन, और यहाँ पर LED लाइट का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर ब्लूटूथ कार्ड है जो कि इसमें अक्स लगा सकते हैं, TF लगा सकते हैं, USB लगा सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ही, सारी चीज़ है। तो आप लोग इस एम्पलीफायर को ना खरीदें दोस्तों। आप खरीदना चाहें तो 5 इंच के स्पीकर चलाएं। आप लोग ऐसा एम्पलीफायर दोस्तों, ऐसा एम्पलीफायर कई टाइप के आते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार बता दूं कि आप लोग ये स्पीकर, ये एम्पलीफायर जरूर खरीदें, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा एम्पलीफायर और इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। लेकिन इसका पूरा जो ये 700 का मैंने खरीदा, ये ना खरीदें। आप लोग इनबिल्ट कर लें, यानी खुद से बना लें दोस्तों। देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट के पिन दिए गए हैं, और यहाँ पर अपना अक्स DTH टेप चला सकते हैं आपसे आराम से। और यहाँ पर 4 इसमें स्पीकर लगते हैं, देखिए 4 स्पीकर तो लगते हैं। हम चाहे तो 5 इंच के ना इस पर 4 स्पीकर आराम से चला लेंगे दोस्तों। जी हाँ, 5 इंच के 4 स्पीकर भी आप लोग इस पर आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों IC हीटिंग का यही प्रॉब्लम होता है कि जब हमारी एम्पलीफायर जब देर तक चलता है और ज़्यादा वाट आ जाता है, इसीलिए हमारा एम्पलीफायर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।